आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि केंद्र हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जो केंद्र और प्रदेश का जो शेयर तय हुआ है और जो खासतौर से जो भानुपल्ली बैरी का जो है वो 75-25 कॉस्ट का जो बियर करने का एक फैसला जो हुआ है, उसमें मुझे बहुत बड़ा दुख है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार वो पैसा जो देना था उस पैसे को नहीं दे रही है। और जबकि हमारा चंडीगढ़ बद्दी का जो है वो 50-50 कॉस्ट शेयरिंग में है, और दोनों का अगर हम देखें, दोनों प्रोजेक्ट में जो है इस वक्त 1626 करोड़ रुपए जो है वो, जिसमें से 1441 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी का, और उसके बाद 185 करोड़ रुपए बद्दी से हमारा चंडीगढ़ बद्दी का, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना है लेकिन नहीं दे रहे हैं। और ना देने की वजह से अल्टीमेटली ये स्थिति बनी है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि आप मेहरबानी करके ये पैसा जो है जमा करिए ताकि जो काम चला है उस काम को हम आगे तेज़ी से बढ़ा करके उसको पूरा कर सकें। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार वो पैसा जमा नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने हिमाचल प्रदेश में लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ों के लिए 450 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने जारी किया, और लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2 साल में बहुत कम जारी किया है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो इसलिए ये दोष दूसरे के ऊपर देना, केंद्र के ऊपर दोष देना ये उचित नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन अगर विलंब हो रही है तो उसकी वजह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार केंद्र को जो पैसा हिमाचल का हिस्सा बनता वो नहीं दे रही है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।